ये MI की Redmi की 32 इंच की एंड्रॉयड टीवी है, यानी स्मार्ट टीवी। इसमें प्रॉब्लम था कि इसका जो पावर सप्लाई शॉर्ट था, पावर सप्लाई के शॉर्ट कंडीशन में ये मॉसफेट शॉर्ट मिला। तो यहाँ पे हमने जो है इसके मॉसफेट को रिमूव करके इसका जो ये मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमने एक और ये जो ऑप्टो कपलर है इसको भी यहाँ से रिमूव करके एक नंबर और दो नंबर यूज किया है। और यूज करने के बाद इसी का जो एक और जो सावधानी है उसका यहाँ पर हमने देखा, ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है कॉशन। कॉशन मीन्स सावधानी। रिस्क का फायर रिफ्लेक्स ओनली विथ सेम टाइप एंड रेटिंग ऑफ फ्यूज, यानी ये जो ग्लास फ्यूज है 5 एम्पेयर का, ये अगर बर्न होता है या किसी कंडीशन में ये फॉल्ट होता है, ओपन होता है, तो इसको सेम वैल्यू का लगना चाहिए। यानी अगर 5 एम्पेयर है तो 5 एम्पेयर का यहाँ पे लगना चाहिए। यहाँ पर और एक विशेष बात हमने देखा है इसके फिल्टर लाइन फिल्टर में, तो ये दो डायोड यूज किया गया है जो कि यहाँ पर देखेंगे ये है और ये है। इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको, ये दो डायोड यूज किए गए हैं। ये है तो ब्रिज रेक्टिफायर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये जहाँ पे इनपुट है तो ये इनपुट को यहाँ पर दोनों पिनों को एक कर लिया गया है, यानी ये AC वाला पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे न्यूट्रल और फेज की लाइन इन होती है, और ये है प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे प्लस और प्लस को जोड़ लिया गया और ये माइनस माइनस को, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा गया है। यहाँ पर देखें तो ये देखेंगे तो ये हमारा जो इनपुट वाला है ये शॉर्ट है। यहाँ पे ये AC का सिंबल दिया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है, ये दोनों को शॉर्ट है, यानी यहाँ पे भी शॉर्टिंग, यहाँ पे भी शॉर्टिंग, और शॉर्ट करके दोनों दोनों पॉइंट को यहाँ पे इस लाइन फिल्टर से ज्वाइंट किया गया है, यहाँ से और यहाँ से, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये। तो यहाँ पर देखें तो दो लाइन फिल्टर यूज किए गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में जहाँ पे ये इनपुट होता है, जैसे यहाँ है, यहाँ से लाइन हमारी इन होती है, इन होने के बाद ये फ्यूज है जो कि 5 एम्पेयर का। उसके बाद यहाँ पे NTC यूज किया गया है, बीच में एक MOB लगा हुआ है, ये बैरिस्टर यहाँ पे जो वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टर लगा के और एक जो है ये यहाँ पे PF लगा हुआ है, दो PF यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ जो ये तीनों का तीनों PF जो है यहाँ कोल्ड ग्राउंड से ज्वाइंट किया गया है, जो कि यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है निगेटिव से। ये इसका वाईफाई का कनेक्शन है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि पावर सप्लाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो इनपुट 100 वोल्ट से लेकर 240 यानी 240 वोल्ट तक, आप यानी कम से कम 100 वोल्ट और ज़्यादा ज़्यादा 240 वोल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनपुट यहाँ पे। तो यानी ये 100 वोल्ट पे भी हमारा ये पावर सप्लाई SMPS ओके कंडीशन में काम करेगा।